देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो कहा, देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है, और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब RTO है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है, जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है, और जल्दी ही इस योजना को देखा जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के एक महीने में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। उसके बाद और विभागों को भी, जो भी सरकारी विभाग है, एक साल के भीतर अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा हम पूरा इलेक्ट्रिकल कर देंगे, ये मैं हिमाचल की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ। सर, अवेयरनेस को लेकर अगर हम देखें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं 2050 तक 1.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एक सीरियस कंसर्न है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मद्देनजर, एक तो अवेयरनेस के मद्देनजर सरकार क्या करेगी, दूसरा क्या सब्सिडीज भी दी जाएंगी टू बाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? देखिए, सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी आ रही है, अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे और जो हमारे टैक्सी चालक है उनको कैसे इस संदर्भ में लाया जाएगा, जो हमारे पर्यटक स्थल है उस दृष्टिकोण से भी लाया जाएगा। पहला मेरा प्रयास ये है कि पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे टारगेट है कि हम 15 मार्च तक हम लैंड आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, और जल्दी भारत सरकार की कंपनी है जो 100 स्थान पर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं पूरे। उसके अलावा हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 700 हमारे जो सरकारी इमारतें हैं उसमें चार्जिंग स्टेशन लगाने की हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जब इसको पूरा चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे, तो जब हम सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स देंगे, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता भी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में मूव करेगी। उस दृष्टि से पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा ना हो ना कि ये गाड़ी चली और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, शिमला वापस आए। तो हमें स्थान चयनित कर रहे हैं 25-25 किलोमीटर के बाद, उसके साथ हम टूरिज्म डिपार्टमेंट हाई फूड क्वालिटी के जो बना रहा है उसमें भी स्थान चिन्हित कर रहा है। आप बजट में हमारा पूरा दृष्टिकोण भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।